महारानी अपना ससुराल छोड़कर घर पर आई है ना, खर्चे चारों तरफ से आते जा रहे हैं। और आई वो मेरी सास है ना, उन्हें अर्चना को पढ़ाने की सूझी है और इसके लिए उन्होंने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई कि पूछो मत। आई आई मेरी तो उस घर में कोई कीमत ही नहीं है, मैं सिर्फ नाम की बहू हूं, सिर्फ नाम की। आई आई मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं विनोद को लेकर अलग हो जाऊंगी। तू इसे सोच भी कैसे सकती है, तुझे शर्म नहीं आती? बेचारी अर्चना, तुझे तो पता है ना वो किस दौर से गुजर रही है, तू उसकी बुराई किए जा रही है। तुझे तो उसे धीरज देना चाहिए, उसे पढ़ाने में तुम्हारी सास की मदद करनी चाहिए। आई आई तो क्या गलत सलत बके जा रही है, तेरी तबीयत तो ठीक है, बुखार तो नहीं तुझे? तुझे किसी भी हालत में तुझे सास और ससुर को ये यकीन दिलाना है कि अर्चना अकेली नहीं है, उसका ख्याल रखने वाला कोई है। और उनके ना होने के बाद भी अर्चना उसी घर की बेटी बन के रहेगी। अगर उन्हें इस पर यकीन नहीं होगा तो वो आधी जायदाद अर्चना के नाम पर लिख देंगे और हमें उन्हें रोकना चाहिए। वो घर तेरा है और वो तुझे ही मिलना चाहिए। अरे इसके लिए थोड़ा सा झुकना पड़ेगा तो झुक। बॉस ने तेरे लिए जो किया है ना, वो आज तक किसी के लिए नहीं किया। इसे एक बात तो साफ है। आई थिंक ही लाइक्स यू, मे बी जस्ट एज अ फ्रेंड। अरे मंजू कहाँ रह गई थी तुम? कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? अरे कम से कम एक फोन तो कर दिया होता। वो मैं अर्चु का एडमिशन कराने के लिए नाइट स्कूल गई थी। और उसके बाद किताबें खरीदने के लिए चली गई। बस इसीलिए स्टेशन लेट पहुंची। आई ये आई ये एडमिशन की रसीद है नाइट स्कूल की, शारदा विद्या मंदिर। मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। अब मेरी अर्चु पढ़ने जाएगी। हाँ और अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाएगी। तुमने आई का चेहरा देखा था, कितने खुश थे वो, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम्हारी वजह से। आई आई तू हमेशा सही होती है। मैंने तेरे कहे मुताबिक चाल चली और यहाँ सबके सब चारों खाने चित हो गए। तेरी चाय। हेलो, श्री मंगल मैरिज ब्यूरो से बात कर रही हूँ। आपकी बेटी वर्षा के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। मैंने उन्हें आपकी वर्षा की फोटो दिखाई थी, उन्हें बेहद पसंद है। सच कहती हूँ सुलक्षणा ताई, लड़का लाखों में एक है। अगर आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। आशा के घर छोड़कर जाने के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। इससे तो अच्छा है कि मैं इस रिश्ते को ही देखिए, हम अभी वर्षा की शादी नहीं करना चाहते। समय आने पर मैं खुद आपको फोन करके बताऊंगी। धन्यवाद। वर्षा के लिए अच्छा रिश्ता आते आते रह गया। पता नहीं गणपति बापा ने उसके भाग्य में क्या लिखा है।